नागपुर शहर का लगभग 60 साल का जो अंबेडकर मेमोरियल अंबाझरी नाम के जगह पे था, और वो लगभग 20 एकड़ में था। इतने बड़े एकड़ वाली जो ज़मीन थी वो कुछ दिन पहले नागपुर महानगर पालिका ने अपने कब्जे में ली थी, और बाद में इस ज़मीन को महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रेंट बेसिस पे दी थी। लेकिन उसके बाद 2019 को ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये ज़मीन एक प्राइवेट पार्टी मेसर्स गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क, इनको 22/11/19 को लगभग, चाहे वो एग्रीमेंट के तौर पर हो, लेकिन ये लगभग बेचने जैसा व्यवहार ये प्राइवेट कंपनी द्वारा हुआ। और फिर जुलाई 21 को ये डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क था जो लगभग 60 साल से था, मेमोरियल था, उसको 21 जुलाई 2021 को गिराया गया। दुर्भाग्य की बात है, उस वक्त 21 जुलाई 2021 में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और नागपुर ज़िले के मंत्री नितिन राउत पालक मंत्री थे, इनके समय में गिराया गया। कहा जाता है कि ये गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी किसी कांग्रेस नेता की है, और इसलिए सारा मामला बिल्कुल डील के लेवल पर ये पूरा किया गया। अब एक तरफ नागपुर में अंबेडकर शताब्दी स्मारक का मामला लगभग बाबा साहब के जन्म शताब्दी साल से प्रलंबित है, और दूसरी तरफ ये 100 साल के लीज के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर ये जगह अगर किसी प्राइवेट संस्था को देते हैं तो उसकी टेंडर प्रोसेस, उसकी अलॉटमेंट जो भी है, और डिमोलिशन ऑफ अंबेडकर मेमोरियल, ये सारा संशय के घेरे में है, और इसलिए इसकी भी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, ये मांग बीआरएसपी की है। ये मांग वैसे नागपुर के कई अंबेडकर संस्थाओं ने, लोगों ने की है, लेकिन इसके बारे में ना अभी तक किसी मिनिस्टर लेवल का स्टेटमेंट आया है, या कॉरपोरेशन लेवल का, एनएमटी लेवल का, या महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का। तो अगर इसके बारे में ये कुछ नहीं करते तो बीआरएसपी की लॉयर फ्रंट है, उसके माध्यम से इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर दर्ज करने में अगर कुछ दिक्कतें आई तो फिर कोर्ट का सहारा लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी, कानूनी एक्शन की जाएगी। मेरा और एक इसमें देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहना है कि विदर्भ या नागपुर की छोटी मोटी घटनाओं को लेकर देवेंद्र फडणवीस हमेशा एक जागरूक होते हैं, हर बात के ऊपर वो ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो दो प्रकरण हैं, एक चंद्रपुर का आदिवासी ज़मीन प्रकरण और नागपुर का ये अंबाझरी बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का प्रकरण, इस बारे में बीजेपी के सरकार में कोई भी बैठा हुआ आदमी ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना कोई रिप्लाई दे रहा है, ना देवेंद्र फडणवीस इसके बारे में खुद चुप्पी साध कर बैठे हैं। तो लगभग इसमें साठ गांठ का मामला नज़र आता है, इसलिए इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये एफआईआर के बाद उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो बीआरएसपी वो कार्रवाई करेगी। तो ये दो मुद्दों को लेकर आज बीआरएसपी ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।